एक नया वीक, नई कंट्रोवर्सी एंड अनदर पर्सन गेटिंग कैंसल्ड। हाउ क्रिएटिव एंड ओरिजिनल ऑन द इंटरनेट। मतलब कसम से जब तक वर्ल्ड कप चल रहा था ना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंट्रोवर्सी हो रही थी, क्रिकेट से रिलेटेड हो रही थी, सरफराज की जमाइयों से रिलेटेड हो रही थी, बट इतनी टॉक्सिक किस्म की कंट्रोवर्सीज नहीं थी। जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, अब क्योंकि और तो किसी चीज़ की हाइप है नहीं है, सो लेट्स कैंसल एवरीबॉडी, यू आर कैंसल्ड, देन यू आर कैंसल्ड, एंड नाउ फिरदौस साहब इज कैंसल्ड। सो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि किस तरह ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, इन केस समवन डजंट नो। फिरदौस जमाल और उनके बेटे और कोई और एक्ट्रेस वगैरह थी फैसल कुरैशी के शो पे एयर वाई पे, और उसमें उन्होंने पूछा जी मायरा के बारे में क्या ओपिनियन है। फिर दोस्त साहब के बेटे का आई थिंक ये था कि शी इज अ रियली ग्रेट स्टार, शी हैज रिप्रेजेंटेड अस इंटरनेशनली एंड वगैरह वगैरह, एंड द एक्ट्रेस वाज लाइक या शी हैज डन सो मच फॉर अस। फिर दोस्त जमाल सबसे पहले तो पूछा ही नहीं, देन ही वाज लाइक मैं भी ओपिनियन देना है, एंड ही वाज लाइक हाँ जी हम आपकी तरफ प्यार थे। सो फिर दोस्त साहब वाज लाइक शी इज अ मीडियोकर एक्ट्रेस, वो मॉडल मटीरियल है, शी इज नॉट हीरोइन मटीरियल, शी इज ओल्ड टू प्ले अ हीरोइन, उसको माँ का रोल करना चाहिए। फिर इसके बाद ये एक्टिंग इंडस्ट्री के काफी लोग ट्रिगर हो गए, सारे चमचे आ गए जी मायरा जी को डिफेंड करने, एज आई वाज सेइंग इन द लास्ट वीडियो, यू नो सबकी चाहिए थी मायरा जी को डिफेंड करने, क्योंकि आई थिंक ये जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री भी है एंटरटेनमेंट, इसमें भी लॉबिंग है, जाहिर सी बात है हर इंडस्ट्री में होती है। जिस तरह यू नो बॉलीवुड में सलमान खान के खिलाफ कुछ बोल दिया, भाई के खिलाफ बोल दिया आपने, तो आपका सारा काम गया, अब आपको किसी ने कोई फिल्म नहीं देनी, कोई आपको और मतलब काम मिलना नहीं, जिस तरह विवेक ओबेरॉय के साथ हुआ था। मतलब हर एरा वगैरह जिसने एक दो ड्रामे किए होंगे या अपने लुक्स की वजह से फेमस हो गया है, वो आ गए जी नहीं फिर तो सब आई रियली रिस्पेक्ट यू बट मायरा हमारी शान है, हाउ कुड यू से दिस अबाउट हर, उसने हमें इतना रिप्रेजेंट किया है, एंड दिस इज रियली बैकवर्ड थिंकिंग, यू आर बीइंग मिसोजिनिस्ट। लाइक हुमायूं सईद को भी कहते हैं सारे बूढ़ा के ही इज नॉट हीरो मटीरियल, कब से उस पर जोक करता आ रहा है सारा इंटरनेट, तब ये जेंडर वाली चीज़ बीच में क्यों नहीं आती, लाइक दिस इज द एक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन। और मतलब गलत क्या कह दिया, अभी ट्विटर पे कुछ टाइम पहले एक ट्वीट वायरल हो रहा था जिसपे मतलब सारे ओपिनियन दे रहे थे वेदर मायरा इज अ गुड एक्ट्रेस और नॉट, और सबा कमर एंड द कंपेरिजन, यार क्या गलत है, हम सफर से ठीक है वो फेमस हुई थी, सही है, दैट वॉज अ रियली गुड ड्रामा, लेकिन हम सफर के बाद उनका कोई ऐसा कोई ड्रामा आया नहीं जिसमें एक्टिंग अच्छी हो, ठीक है पॉपुलर की बात नहीं हो रही, हम सफर की भी स्टोरी अच्छी थी और कुछ जगह उनकी एक्टिंग अच्छी थी। अशर आपने ये मुझे कैसे कहा, अशर खैर। फिर मायरा खान का रिस्पांस आया है कि यू नो वी शुड ऑल रिस्पेक्ट ईच अदर, वी शुड स्प्रेड लव, पर मुझे जो है ना बड़ा अच्छा लगा देख के कि सारे एक बंदे को एक ओपिनियन की वजह से कैंसिल कर रहे हैं जो कि मेरे बारे में था, और मैं तो माँ का रोल प्ले करती आई हूँ और आगे भी करूँगी, तो फिर गलत क्या कहा है फिर दोस्त साहब ने। देन मोमिना दुराइद जिन्होंने काफ़ी अच्छे ड्रामाज जो है ना दिए हुए हैं, और आई डोंट नो वेदर शी इज़ अ राइटर डायरेक्टर जो भी हैं, लेकिन उनके जो नाम जहाँ पर ड्रामाज के साथ है वो बहुत अच्छे अच्छे हैं, बट इस नॉनसेंस में उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया कि शी बैंड फिरदौस जमाल फ्रॉम ऑल हम टीवी ड्रामास, आई थिंक उनके कोई ससुर हैं हम टीवी का जो कनेक्शन है या जो भी है, लाइक आपको ओपिनियन देने की सजा मिलेगी क्योंकि आपने एक बड़े नाम के बारे में ओपिनियन दिया अपना, और हम एक एग्जांपल सेट करेंगे कि जो भी फेमस बंदा है इस इंडस्ट्री में, चाहे वो बहुत बड़ी चुसे मारते हैं एक्टिंग की फील्ड में, आप उसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं दे सकते, और इसके अंदर हम जो है ना इसके अंदर हम ये जेंडर वगैरह वाले को लाएंगे। मतलब अगेन यार क्या गलत कहा है उस बंदे ने, फैसल कुरैशी ने भी कहा है ना कि मायरा की हुई फिल्म अभी इतनी हिट नहीं हुई, सो आई रियली होप उनकी फिल्म हिट हो जाए, विच इज़ राइट। अब रईस जो है वो मायरा की फिल्म तो थी नहीं, वो तो शाहरुख की फिल्म थी, पाकिस्तान में मायरा की कोई फिल्म इतनी हिट हुई नहीं है, सो दे वर लाइक हम मायरा पे एक फिल्म खुद ही बना लेंगे जिसका नाम ही सुपरस्टार होगा, लाइक इट्स अ जोक इन इटसेल्फ। अब वो हिट होगी नहीं होगी, बट हाइप माशाल्लाह से अच्छी इस कंट्रोवर्सी के जरिए बन गई है। वेट, सो शायद ये ऐसा नहीं हो सकता कि फिरदौस जमाल साहब के ओपिनियन को इतना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करना वॉज जस्ट अ टैक्टिक टू प्रमोट मायरास फिल्म। खैर इसके बाद फिरोज खान शान और बहुत लोग भी सपोर्ट में आए फिरदौस जमाल के, एंड फिरोज वाज लाइक कैंसिल मी इफ यू कैन। सो अगेन एज आई सेड ये लॉबिंग वाला पूरा चक्कर है, जिसकी लॉबी स्ट्रांग है उसको तो कैंसिल आप कर नहीं सकोगे, एंड द थिंग इज के जितने अगर पूरा इंटरनेट एक बंदे को सपोर्ट कर रहा है, हैशटैग आई सपोर्ट फिरदौस जमाल इज ट्रेंडिंग, सो थोड़ा सा आपको भी सोचना चाहिए जो लोग अगेंस्ट जा रहे हैं कि अगर इतने लाखों या करोड़ों लोग सपोर्ट कर रहे हैं, शायद हमारा जो उस बंदे के ओपिनियन पे रिएक्शन था वो शायद गलत था, शायद हमारी ईगो थोड़ी बड़ी हो गई थी, या शायद हमारा जो
लॉगिंग है उसके चक्कर में हमने एक इतने लेजेंडरी एक्टर को जस्ट एक मीडियोकर एक्ट्रेस के लिए शेम करना स्टार्ट कर दिया. हैर दैट वाज माय ओपिनियन, दैट वाज माय रैंट, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, एंड आई विल सी यू गाइस सून. इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन और ऑल पे क्लिक जरूर करना है, मतलब करना है, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है. And follow me on Instagram, Twitter, if you wanna stay connected on a daily basis. I will see you guys soon. Allah Hafiz.